For more technology reviews and unboxing videos, please subscribe our channel. It's free. Welcome back guys to another video. My name is Kadir Rajput and you are watching Smart Review YouTube channel. So in this video, I'm going to show you how to connect your 3D smart TV or other any smart TV to your PC. So this video is divided into three equal parts. First part is which cable we use to connect Samsung smart TV. Second part is connection and third part is setting. So if you enjoy this video, don't forget to subscribe our channel and watch this video till end. So let's get started. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे सामने सैमसंग स्मार्ट टीवी की एक सीरीज 5 की एलईडी है जिसके साथ आज हम अपने पीसी को कनेक्ट करेंगे. तो बेसिकली कनेक्ट करने के लिए जो केबल की रिक्वायर्ड होती है वो है HDMI टू DVI अडॉप्टर केबल. ये आपको अमेजोन पे $6 to $7 की इजीली अवेलेबल है. आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाके HDMI टू DVI केबल के नाम से इसे ले सकते हैं. ये चीज़ जो है हमारी कंप्यूटर के अंदर लगेगी, तो इसको हम कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे. कंप्यूटर पे लगाने के बाद और तो ये जो सेकंड चीज़ है इसे हम अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी के अंदर लगाएंगे. ये बेसिकली ये इनपुट होगी और ये आउटपुट होगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास केबल है, इसे हम चलते हैं अपने कंप्यूटर पर लगाने के लिए. तो कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ऊपर की जानिब जो है मेरे मॉनिटर की वायर लगी हुई है. तो और इसके नीचे बिल्कुल हम ये वाली जो हमारी HDMI केबल है उसे लगाएंगे. तो इस जगह पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली आपको इसके ये जो नट्स हैं ये इसको अच्छे तरीके से लगाना होगा. चलिए ये अच्छी तरह लग गई है. मैं ऊपर वाली जो है अपनी उतार देता हूँ ताकि मेरा जो है मॉनिटर जो है वो कनेक्ट ना हो, सिर्फ मैं सैमसंग स्मार्ट टीवी को जाता हूँ कि वो कनेक्ट हो. तो अब बढ़ते हैं सैमसंग स्मार्ट टीवी की जानिब यानी इनपुट. तो ये HDMI केबल इस जगह पे मैं लगा देता हूँ. तो LED के पीछे आपको जगह देखने को मिलेगी, उसके ऊपर लिखा होता है HDMI केबल. तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कि आप अपने केबल को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं. तो इस ये कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की दिखेगी. तो अपने चले कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी को भी ऑन कर लेते हैं. जी तो मैं अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी को ऑन कर चुका हूँ. जाते हैं हम सबसे पहले मेन्यू में. मेन्यू में जाने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे सिस्टम में. सिस्टम में जाने के बाद जो हमने जाना है HDMI सेटिंग्स में. तो नीचे करते और ये रहा. तो इधर मैं कनेक्ट करता हूँ और आपने इसको ऑन कर लेना है. इसको ऑन करने के बाद आपने इसे क्लोज़ कर देना है और उसके बाद आपने जाना है स्मार्ट. उसके बाद आपने इधर ये वाला बटन क्लिक करके तो आपके पास उस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी और आपने HDMI के ऊपर क्लिक कर देना है. तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सैमसंग स्मार्ट टीवी है वो आपके PC के साथ कनेक्ट हो चुकी होगी. तो बेसिकली ये मेथड था आप सैमसंग स्मार्ट टीवी को अपने PC के साथ कनेक्ट करने के लिए. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि आप दो स्क्रीन्स एक PC के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी को भी कनेक्ट करेंगे साथ और उसके साथ साथ आप अपने मॉनिटर को भी कनेक्ट करेंगे एक ही PC के साथ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. कमेंट नीचे है, कमेंट ज़रूर दीजिएगा अपना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. माई नेम इज़ कदीर राजपूत एंड यू आर वॉचिंग स्मार्ट रिव्यू. गुड बाय.